दूध ले लिया है, ये छान लेते हो। ये छानना बहुत ज़रूरी होता है। इसमें देखो थोड़े थोड़े आपको दिख रहे होंगे या नहीं, पता नहीं, कैप्चर नहीं कर रहा है कैमरा, नहीं तो छोटे छोटे ऐसे काले काले ये होते हैं, उसमें कचरा होता है, तो ये छान लेते हैं। ये देखो मैंने बोला था ना आपको काला काला कचरा होता है, तो वही है ये। जी भी आइटम हुआ है यार ये। सुबह सुबह उठ के यहाँ पर ही आना पड़ा। सबसे पहले यहाँ पर आया, जब मैंने दरवाजा खोला तो दिखा ये कि ये गिरा हुआ है करके, मतलब पहले इतना था, इतनी पट्टी थी और ये पट्टी निकली हुई थी, अभी पूरा गिर गया। तो दोबारा से आई मैं यहाँ पर देखने के लिए, जैसे ही दरवाजा खोला, मतलब आवाज़ आया अंदर, तो जैसे ही दरवाजा खोला ये पूरा का पूरा नीचे गिर गया था। कैसे गिरा, क्या हुआ, क्या गलती हुई इनसे लगाने में, पता नहीं। अभी वो आने वाले हैं, तो मतलब जिन्होंने ये लगवाया है वो आने वाले हैं, तो पता चलेगा क्या गलती हुई है लगाने में। उठते बराबर सबसे पहले यही दिखा। नहीं मैडम, हवा चल रही है ना, ये दो तीन जगह की कंप्लेंट आ गई, ये अपना ही नहीं है। हाँ हाँ, जनों का और मेरे अलावा और दो तीन ठेकेदारों का भी गिरा, तो उसका ज्यादा रिपेयरिंग किए हमने। ये क्यों हुआ लेकिन ऐसे? अंदर हवा घुसती ना, तो हवा के कारण। लेकिन बाहर पोर्च में तो यही लगाते ना सब लोग, लगाते तो पोर्च का पीवीसी गिर रहा ना मैडम। अभी देखो तीन चार दिन पहले मैं दूसरे ठेकेदार का काम करके आया, उसने अभी तीन चार महीने हो रहे थे सिर्फ, अब तो काफी टाइम हो गया, तीन चार महीने हुए, उसका पूरा का पूरा स्लिम उड़ के भाग गया, बॉटम रह गए। अरे बाप रे। तो फिर अभी मैडम प्लास्टिक है इसके अंदर, हवा घुस, जबकि अपने इसको चारों तरफ से पैक करे थे, फिर भी हवा किधर से घुसी, किधर से पता नहीं, देख ले सब कर ले। लेकिन अभी ये हर साल हुआ तो इसका फायदा ही नहीं है ना। इसका परमानेंट इलाज नहीं है क्या कुछ? अरे अरे, अपने सेट पे पहली बार हुआ, नहीं तो मैंने अभी दो तीन ठेकेदारों के काम करा ना, तो ये साल और वो साल मुझे सिलिंग उड़ के भागी। अरे अरे, ये अभी हर साल हुआ तो क्या करेंगे। हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। सो गाइस, बस अभी 10:30 बज रहे हैं, खाना बनाने में लग जाती हूँ एक्चुअली। हाँ, कोई पूछ रहा था कि कितने बजे उठते हो आप, मैं बहुत लेट उठती हूँ, इसी वजह से बहुत लेट हो जाता है। मतलब मैं उठती हूँ 8 बजे, 7:30-8 बजे उठ जाती हूँ, तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा लेट होता है सारे काम करने में। पहले क्लीनिंग होती है, उठते ही सबसे पहले मेरी क्लीनिंग होती है, तो क्लीनिंग हो जाने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने बाकी के कामों में, जैसे कि कुछ बर्तन होते हैं, तो आज तो बर्तन भी नहीं लगाया, अभी बर्तन लगाती हूँ, मतलब जो रात के धोए हुए बर्तन होते हैं वो लगा देती हूँ, और उसके बाद फिर मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद पूजा होती है, उसके बाद फिर मैं खाना बनाने के लिए आती हूँ, तो अभी आई हूँ खाना बनाने के लिए, तो इतना टाइम चला जाता है सारी चीज़ों में। तो चलिए अभी जल्दी से खाना बनाते हैं और उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
यहाँ पर मेरे पार्सल आ गए थे जो मैंने काफ़ी दिनों से ऑर्डर कर रखे थे और लॉकडाउन की वजह से वो नहीं आ रहे थे, तो फाइनली वो पार्सल आ गया है। अभी इसे सैनिटाइज करके धूप में डाल दूंगी और काफ़ी देर तक धूप में रहेंगे तो मतलब टेंशन नहीं रहेगा मुझे। और आप भी बोल रहे थे ना कि यदि हॉल वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो आजकल, तो इसी वजह से ना डियर बिल्कुल पार्सल ही नहीं आ रहे थे, तो क्या करूँ पार्सल नहीं आ रहे थे तो इसी वजह से शेयर नहीं करना हो रहा था। अभी पार्सल आ गया है तो शेयर जल्दी करूँगी, इसका हॉल वीडियो जल्दी से आएगा आपके लिए। देखो ये सारे पार्सल अभी सैनिटाइज करके रखे हैं धूप में, काफ़ी देर तक इसे धूप लग जाएगी ना, जो भी होगा वो चला जाएगा धूप के साथ। यहाँ पर माही मेरे लिए, अद्विक के लिए और खुद के लिए नींबू पानी बना रही है। डेली मुझे ऐसे नींबू पानी बना के देती है बेचारी। हाँ, क्योंकि उसके नानी ने उसे बता के रखा था कि मम्मा की बीपी लो होती है तो हमेशा नींबू पानी बना के दिया करो, तो उसको बताना भी नहीं पड़ता है। अभी देखो मैं उधर थी, अभी मुझे आवाज आ रही है कि कुछ ना कुछ घोल रही है ये करके, तो इसी वजह से मैं यहाँ पर आई थी कि ये क्या कर रही है, तो देखा तो नींबू पानी बना रही है। ऐसे डेली नींबू पानी बना के दे रही है। और मैं अद्विक को नीचे से नहीं दिखा सकती क्योंकि अद्विक ने चड्डी नहीं पहनी है। नहीं, मैं नीचे दिखाई नहीं रही हूँ, नीचे दिखाई नहीं रही हूँ। अभी अभी अद्विक की पॉटी क्लीन करके आई है। चड्डी पहना दो। नहीं, अभी नहलाना ही है आपको। आप चड्डी पहना दो। नहीं नहीं नहीं, अभी आप चड्डी नहीं, चलो चलो नहाने चलो। ज्यादा हिलो मत, अधिक ज्यादा हिलो मत, ज्यादा हिलो मत, नीचे का दिख जाएगा। ज्यादा अरे ज्यादा हिलना मत। चलो नहाने, पहला के देती हूँ आपको। पहले नींबू पानी, पहले नींबू पानी पी लूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है, चड्डी पहना के देती हूँ। ठीक है, हो गया हो गया हो गया हो गया, जल्दी से अभी नींबू पानी पी लेते हैं। लो माही, ये देखो एक्सरसाइज चल रही है दोनों की। टीवी में देख देख के करो करो, जैसे वो करते करो करो करो, अद्विक करो। स्ट्रेट करना है, स्ट्रेट करना है, हाथों को स्ट्रेट करना है। हाँ हाँ, अभी करो ऐसे ऐसे करो ऐसे। एंड देन अच्छा है, करा करो डेली, मैं भी करा करूंगी साथ में। करा करो जल्दी जल्दी। पेट ही नहीं हिला रहा, चेस्ट हिला रही है ऐसे, पेट नहीं हिला रहा ऐसे। करो 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 जल्दी 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 करो।
वो देखो कैसे भाग गया, उसको बोला ना जब पापा आएंगे तो पास में मत आना। हाँ ठीक है, एक मिनट। ये क्या लाया आपने? मैंने गुड़ लाया। अच्छा एक मिनट। हाँ आपके लिए गिफ्ट भी बता रहा आदमी। कौन सा गिफ्ट है? अरे ये वाला। अरे ये पता है ना पापा को, मैंने कॉल करके ही बताया था पापा को। आज खाने में क्या क्या बनाया है, ये है पातोड़ी की सब्जी। इसकी रेसिपी मैंने बहुत बार शेयर की है आपके साथ, इस वजह से नहीं शेयर की। और ये है राइस, जीरा राइस कल रात का है। और उसके बाद ये है दाल तड़का, और उसके बाद ये प्लेन राइस है, और ये है रोटियां। तो ये भी ड्यूटी से आ गया है, तो चलिए खाना खा लेते हैं हम। देखो इन्होंने गुड़ तोड़ के भर के रख दिया इसमें, तो अभी इसे मैं ऐसे ही थोड़ी देर के लिए रखूंगी और उसके बाद इसे ढक्कन बंद करके लेके जाऊंगी अंदर। तो चले गए, सब कुछ हो गया है और अभी दिखाने लायक तो कुछ है नहीं। तो चलिए इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद में जो बेल आइकन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलेगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, ताकि मेरे सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ही सबसे पहले मिले और उसे आप सबसे पहले देख पाओ। और इसके अलावा मेरे दो और चैनल है, चाहो तो वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो, एक बार जरूर चेक कर लेना। इंस्टा का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और दोनों चैनल का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है आपके लिए, वहां पर जाके जरूर एक बार चेक कर लेना। इंस्टा पे भी चेक कर लेना और दोनों चैनल को भी चेक कर लेना। पसंद आए तो जरूर फॉलो करना और सब्सक्राइब करना। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय। और हाँ, जाते जाते बता दे रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नहीं पता है कहाँ होता है तो मेरे टाइटल पे क्लिक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन हो जाएगा और वहां पर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे।